जैन साथियों, कैसे आप सभी? आप सभी का आज के इस बेहतरीन से सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है वो हम जुड़े हैं एक बार वो बात करने के लिए कि हम किस ग्रुप से जो है वो फॉर्म भरें, क्योंकि बड़ी समस्या हो रही है कि ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप डी में क्या है, ग्रुप ई में क्या है, ग्रुप एफ में क्या है। तो दोनों सेम भी बात है, मतलब मैं बात करूं अगर चाहे तो आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, चाहे मैं बात करूं आरपीएफ एसआई के बारे में, है ना। तो ना तो हमें कांस्टेबल की दिक्कत लेनी है ना हमें एसआई की लेनी है, दोनों के लिए ग्रुप या जो भी चीजें हैं वो सेम रहती हैं। होते क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म आपके भरने शुरू हो चुके हैं, 14 मई तक भरे जाएंगे, तो देर मत करिए। चाहे आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल का जो है वो फॉर्म भर रहे हो, है ना, तो आपको किसी भी तरह की जो है वो देरी नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह की जो है वो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपको आरपीएफ एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, आप हाथों हाथ फॉर्म भर लीजिए, देर मत करिए। मतलब आज या कल में अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, वेबसाइट चलती नहीं है, रेलवे की वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है ना, फिर आखिरी में वेबसाइट काम नहीं करती और हम बड़े समस्या में परेशान हो जाते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरे। अब कौन से ग्रुप से फॉर्म भरना है, क्योंकि ग्रुप वहां पर चयन करना पड़ रहा है। तो ग्रुप ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, एंड सो ऑन अप टू डी में, ई में, एफ में क्या है, इन ग्रुप्स में। तो इन ग्रुप की हम बात करेंगे, और किसी चीज के बारे में इतनी आज डिटेल्स में आपको नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी डिटेल्स मैं आपको कल बता चुका हूं। लेकिन कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे ग्रुप को लेकर के, है ना, तो कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे ग्रुप को लेकर के कि सर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी में क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करें अपने रेलवे की, तो हमारे आरआरबी में टोटल 17 जोन है। हमारे आरआरबी में क्या है, टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 17 जोन है हमारे आरआरबी में। कितने जोन है, 17 जोन है, ठीक है। इन 17 जोन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इन 17 जोन्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जोन्स की बात करूं, जैसे आपका है सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके बाद है साउथ वेस्टर्न रेलवे, फिर उसके बाद है आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इस तरीके से आपके जो 17 जोन है वो आपके हैं, है ना। अब इन जोन में आपके क्या आते हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं वो आती हैं, डिविजन्स जिसे हम कहते हैं। जैसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करोगे तो इसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा, ये डिविजन्स आते हैं। इन डिविजन्स के अंदर अलग अलग स्टेशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बात करूं नॉर्दर्न रेलवे की, तो नॉर्दर्न रेलवे में अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद। अब मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद क्या है, मुरादाबाद डिवीजन है। अब मुरादाबाद डिवीजन के अंदर अलग अलग स्टेशन हो जाएंगे, जैसे मेन मुरादाबाद का हो गया, तो उसके बाद आसपास के जो डिवीजन हो गए, अमरोहा हो गया, संभल हो गया, चंदौसी हो गया, आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं, बिजनौर हो गया, या मतलब आसपास के जो भी डिवीजन के अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो आएंगे वो सब इसमें आ रखे होंगे, ठीक है। सर एप्लीकेशन की फीस का पेमेंट किसी और अकाउंट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप साइबर कैफे से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब आप जब आप ग्रुप का चयन करते हैं तो ग्रुप जो है वो इस तरह से है, यानी कि जो मैंने आपको जोन्स बताए ना, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो नॉर्दर्न रेलवे से भरना है, नॉर्दर्न रेलवे अर्थात आपको दिल्ली से अपना फॉर्म भरना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, फॉर्म भरने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर गलत हो गया तो दिक्कत हो गया। जैसे यहां पर मान लो मुझे क्या चाहिए, कोई बच्चा पूछ रहा है सर मुझे पंजाब से भरना है, है ना, तो पंजाब में आपका, यहां पर पंजाब के लिए आप देखोगे पंजाब में आपका कौन कौन से जोन्स आ जाएंगे, तो वो आपका आ जाएगा ये वाला जोन, ठीक है। तो यही आपका जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अलग से तो कोई जा नहीं रहा, नॉर्दर्न जोन ही जा रहा है, तो नॉर्दर्न जोन आपका जो है फिर वो यही जा रहा है, आपको यही चूज करना पड़ेगा अंबाला में, है ना। तो जो पंजाब के शहर होंगे और आपके जो जम्मू कश्मीर के शहर होंगे वो आपके अंबाला जोन में ही जा रहे होंगे, है ना, अंबाला और फिरोजपुर में जा रहे होंगे, ऐसा होगा या तो, है ना, इसमें यही दिया गया है, क्योंकि ये सब वेबसाइट पर अपलोडेड है, मैंने वेबसाइट से लिए, कहीं और से नहीं लिए, तो वेबसाइट से ही बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप प्रयागराज से बनना चाहते हो,
है ना, जिसको हम आरआरबी इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे। तो हमें आरआरबी इलाहाबाद से भरना है, तो हमें करना क्या होगा, आरआरबी इलाहाबाद को अब आरआरबी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो हमें करना क्या होगा, तो हमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से भरना पड़ेगा। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है ना, ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे किस जोन में जा रहा है, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका एनसीआर जो जोन है ये जा रहा है ग्रुप डी में। तो जब वहां पर हमको ग्रुप चयन करना होगा, तो वहां पर जब हमें ग्रुप चयन करना होगा, तो जब वहां पर हमें ग्रुप चयन करना होगा, तो जब हम ग्रुप चयन करेंगे तो हम ग्रुप डी का चयन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है साउथ से भर रहे हैं हम फॉर्म, यानी कि मान लो हम चेन्नई से फॉर्म भर रहे हैं, हमें कम कट ऑफ की तरफ जाना है, तो हम साउदर्न रेलवे में जाएंगे। अब साउदर्न रेलवे के लिए जो अभी ग्रुप का चयन करना पड़ेगा वो ग्रुप ए का चयन करना पड़ेगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो मेरे इस वीडियो को एक बार देख लेना, इस वीडियो में यहां पर सारे आपको जोन जितने भी ग्रुप वाइज हैं वो दिखा दिए मैंने यहां पर। तो यहां पर सारे जोन आपको ग्रुप वाइज देखने हैं, ग्रुप वाइज जोन देखने के बाद जो आपके डिविजन्स है वो देखने हैं, और जोन्स यहां पर दिए गए हैं ये देखने हैं। इन डिविजन्स को, इन जोन्स को देख करके आप अपना फॉर्म जो है वो सुकून से भर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म में कुछ गलती होती है फिर आपको उसी जोन में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है, और म्यूचुअल ट्रांसफर भी जो है वो बहुत कम मिल पाते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर क्योंकि बहुत कम मिल पाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से फॉर्म देखिए, बड़े ध्यान से फॉर्म भरिए, कोई भी गलती ना होने पाए, फॉर्म भरते वक्त इन चीजों का ध्यान रखिए। अब बात आती है सर किस ग्रुप में कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि हम उस ग्रुप से बनना चाहते हैं, बट मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप कट ऑफ कम की वजह से उस ग्रुप से भरिए, आप भरिए अपने डिविजन के आसपास की जगह से, ताकि आपको जब जॉब लगे तो आप आसपास में, घर के आसपास पहुंच भी सके, ठीक है। तो नहीं, इस बार जोन वाइज अभी जो है वैकेंसीज का अनाउंसमेंट नहीं करा है, फर्दर लेटर स्टेजेस में करेंगे तो बात अलग है। तो मैं आपको कट ऑफ बता दूं, तो जो ग्रुप वाइज ही कट ऑफ आएगी, जैसे ग्रुप ए में ये तीनों आपके जो है जोन आ रहे हैं, ग्रुप बी में ये चारों जोन आ रहे हैं, ग्रुप सी में ये आपके चारों जोन आ रहे हैं, ग्रुप डी में ये आपके चारों जोन आ रहे हैं, और ग्रुप ई में ये आ रहा है। तो इसकी कट ऑफ जो है वो इसी के हिसाब से लगती है। कट ऑफ आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्म भरते वक्त, बहुत ध्यान से देख करके, कि अगर मुझे कम कट ऑफ चाहिए तो मैं सबसे कम कट ऑफ अगर बात करूं और मैं जाना चाहता हूं जनरल से, तो सबसे कम कट ऑफ जो मुझे दिख रही है वो ईस्टर्न रेलवे की तरफ दिख रही है। ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन से कट जोन आते हैं, तो ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करूं तो ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन सा आएगा, असनसोल आएगा, हावड़ा आएगा, मालदा आएगा, सियालदा आएगा। मतलब मैं इन डिविजन से अगर फॉर्म भरूंगा तो मुझे सबसे कम कट ऑफ वाले जोन की तरफ जाना पड़ेगा। या अब मैं बात करूं कि मुझे अपने डिवीजन के हिसाब से भरना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रयागराज डिवीजन से भरना है, भाई मुझे घर के आसपास रहना है, मैंने आरआरबी प्रयागराज से भर दिया, तो अब जैसे ही मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ जाऊंगा तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अगर आप देखोगे तो जनरल की कट ऑफ 117.83 है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ऑल्दो ये कट ऑफ है, तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो मेल्स की है, और मतलब कांस्टेबल की है, और ये एसआई की है, एसआई की कितनी है 99.95 है, तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत पूरी लगाओ और एक एक चीज को बहुत ध्यान से बारीकी से समझ करके फिर फॉर्म भरो। ये सारे शॉर्ट स्क्रीनशॉट्स जो भी है ये सब काम आएंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो बता दीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये वाली है ना। तो रीजनिंग बाय पुलकित सर का ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करना। इस टेलीग्राम ग्रुप में जो आपके जोन वाइज पीडीएफ है, जोन वाइज कट ऑफ की पीडीएफ है, जिसे लेकर के आप परेशान हो वो सब मैं यहाँ दे दूंगा। फोटो बैकग्राउंड के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं गया, बस फोटो क्लियर होनी चाहिए, जैसे ये फोटो दिख रही है क्लियर दिख रही है, अपलोड कर सकते हो, तो फोटो क्लियर दिखनी चाहिए। सर मैंने फिल कर दिया है लेकिन वहां कोई ग्रुप नहीं शो हो रहा था, होता है बेटा आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने फिल कर दिया होगा, एक बार फॉर्म चेक करना वहां दिख जाएगा ना सुन बच्चा, ठीक है। चलिए बाकी किसी को कोई डाउट है, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, अगली वीडियो में आपके डाउट्स को लेकर के बना दूंगा, एंड आपके स्क्रीनशॉट लगा करके एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा कि इस बच्चे ने ये डाउट पूछा था तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यही रखेंगे, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को जुझारू रूप से जारी रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।